मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और एक बार उसी हौसले के साथ आपके साथ फिर हम जुड़ चुके हैं। और आज की क्लास में यहाँ पर हम यूपी पुलिस में जो 19 जून 2018 की पहली शिफ्ट में पहली पारी में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जाएगा, कितने आसान हैं और कितने हार्ड हैं उन सभी को यहाँ पर विस्तार से आपको कराना है। क्योंकि हमने ये ठाना है कि आपको यूपी पुलिस में कांस्टेबल कम से कम जरूर बनाना है। तो चलिए करते हैं इस पेपर की शुरुआत। 19 जून 2018 को उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आए मैथ के, वो आज हम यहाँ पर सारे देखेंगे। अभी तक जितने भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं उनमें जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 39 से थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 93 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबरों का केवल अंतर है, बाकी क्वेश्चन उतने ही हैं। 18-19 क्वेश्चन उनमें थे, 18-19 क्वेश्चन ही इनमें है जो अब आगे के बचे हुए सेट हैं 2018। तो इन्हें भी देख लेते हैं, देखो क्या है भाई। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं अगर ऑप्शन लिखूं तो आप जो हैं, अगर आपने इससे पहले जितने भी हमने प्रीवियस ईयर कराए अगर वो कर लिए होंगे तो देखते ही उत्तर पता लग जाएगा कि भाई इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा कितना, 1001। 1001 क्यों होगा, क्योंकि 1001 जो है मैंने पहले भी कई पेपर में आ चुका है कि ये संख्या 700, 1100 और 1300 पूर्णतः विभाजित होती है 1001। तो यो ही क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, यो क्या है, भाज्य संख्या है। तो 1001 जो है वो क्या है भाई, वो है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, क्या है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो यहाँ क्या है, 90 को भाग करना 6 से गुणा 24 माइनस 8 भाग 4 और भाग यहाँ पे कितना है, 3 है। तो देखो यहाँ 90 को 6 से भाग करा जा सके, 15 आ गया, 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आया, 24 में से 2 गए 22 आया और बटे में 3 आया। तो 3 पंजे 15 और 22 पंजे आ गया 110। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 110 बनेगा, लेकिन जो ऑप्शन दिए थे बोर्ड ने वो सारे के सारे गलत दिए थे। तो यहाँ पे यो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सभी को नंबर दिए गए, क्वेश्चन नंबर जो 94 में था उसका सही जो जवाब था वो 110 था, लेकिन इन्होंने दिया 18, 20, 11 से 1/4 और 16, जो सारे के सारे गलत। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, क्या है भाई, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। हल क्या करना, गुणा करने, बस 12×5=60 की 0 हासिल को 6×12=60 और 6×66 6×12=12 और 6×18। दशमलव के बाद 2 अंक रह जाएंगे, इसका मतलब 18.6 जो है वो इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन यहाँ पे मिला। क्वेश्चन नंबर 96 भी बहुत ही आसान है, निम्नलिखित समीकरण को हल करके उपयुक्त विकल्प बताना है। क्वेश्चन है 11/8 और गुणा 56/33। 11/8 गुणा 56/33, बताओ इससे ज़्यादा आसान क्या हो सके। 11 × 3 = 33 और 8 × 7 = 56। 11 × 3 = 33 और 8 × 7 = 56। 7/3 कह दूं या 3 से भाग दूंगा तो 3×2=6, 2 सही, 1/3 भी इसका जो है वो जवाब बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखो भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 97 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, 52, 78 और 156 का HCF बताना, मैं से बताना। 52, 78 और 156 का HCF बताना। अब देखो इन दोनों का अंतर आ रहा 26, अगर मैं अंतर विधि लगाऊं तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 26 आ रहा है। 26×52 हुए, 26×3=78 हुए और 26×6=156 हुए भाई। 6×36 का 6 का हासिल को 3 और 6×2=12 और 3×15। इसका मतलब इसका जो HCF है
वो 26 ही आ गया। 26 क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटता है। तो अगर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो अगर अंतर विधि लग रही, सबसे आसान और सबसे सटीक और सबसे जल्दी उत्तर हमारा अंतर विधि बिल्कुल दे देती। क्वेश्चन नंबर 98 भी देखो इसी का भैया, उसमें कुछ विशेष बात नहीं है। 52, 78 और 156 संख्याएं यही है, 52, 78 और 156 का इस बार एलसीएम लेना। तो देखो जब हमने एचसीएफ निकाला तो हमें पता लगा कि इसका एचसीएफ 26 है, तो 26 तो भाग होना ही है। 26 दूनी 52, 26 थी 78 और 26 छक्का 156। अब यहाँ पे हमने 2 से भाग करा, 2 एकम 2 और 2 3 6, फिर हमने 3 से भाग कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ तो 26 की गुणा किस में हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 26 छक्का 156 है ही, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 156 आ गया। तो एक ही क्वेश्चन को दो तरह से दे दिया उसने क्वेश्चन। वो अगर एक क्वेश्चन में दोनों पूछ लेता तब भी इतने ही का इजाज हो, मतलब एक क्वेश्चन ही बनता कि अगर वो 52, 78 और 156 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ, कोमा लगा के उत्तर लिखना था बस। लेकिन यहाँ इसने एक ही क्वेश्चन को दो रूप में पूछा, मतलब एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बना दिए, तो बहुत ज्यादा मुश्किल यहां तक क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 है। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी उस महीने में बचत कितनी थी? देखो बचत और व्यय का जो अनुपात है वो 3:8 है, 3:8 है जिस महीने में परिवार की आय। अब आय कब बनेगी, बचत और व्यय को जोड़ दो तो आय बन जाएगी। तो 11 बराबर जो है 27,500 के हैं, 11 बराबर 27,500 के हैं, बचत बतानी तो 3 बराबर आ जाएगा बचत। 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, तो बचत जो आओगी 2575,000 रुपये यहाँ पर इसकी बचत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें क्या अभी, क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या है। किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर जो है वो 160 रुपये, मतलब वो या तो 13% हानि पे बेच रहा था, बाद में उसने 11% लाभ पे बेचा, तो दोनों का जो डिफरेंस आया, जो दोनों का अंतर आया वो 108 रुपये। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताना। तो 13% की हानि 11% के लाभ में बदली तो ये बना 24%। 24% बराबर 108 के हैं, 12% का लाभ चाहिए तो 112% बराबर किसके हैं ये देखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 4 बार चल जाना चाहिए, 24 से जो है कितनी बार, 24 दूनी 48, 24 चौका 2 96, 4 से काटो पहले, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 2 से काट दो, 56 बार कटा तो यह आ जाएगा भैया 56 गुणा 9, 9 6 54 का 4 का 5, 9 5 45 और 5 50, तो ये जो है 504 रुपये उसका उस टाइम पे विक्रय मूल्य हो जाना चाहिए जब उसका लाभ जो है वो 12। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, किसी संख्या का 45% यदि 135 है तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 45% जो है वो बराबर 135 के, 45% जो बराबर है वो 135 के हैं, तो 100% बराबर संख्या के हो, 100% बराबर संख्या के हो, तो यहाँ पर 45 दिया 135 और जो संख्या बनेगी वो 300 बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही कितना जाएगा भैया, 300, और यही जो है क्या है, संख्या। क्वेश्चन नंबर आया 102 भी देखो क्या है। कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान, मतलब 20% की हानि हुई, 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना होगा? 20% का नुकसान हो रहा, इसका मतलब है 80%, 80% बराबर 720 के हैं और 105% बराबर किसके हैं? तो 8 नीम 72, तो अगर बात करूँ तो 945 जो है वो इसका कब का प्राइस हो जाना चाहिए, कब, जब उसे 5% लाभ पर बेकर है। चलो बात करें यहाँ पर 103 की भी बात कर लें, क्योंकि छोटा सा ही क्वेश्चन था और जो भी छोटा ही क्वेश्चन है 103 भी।
750 अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए पर बेची गई, कितने परसेंट की छूट जो है रही? 750 वाली जो है 660 में बेची जा रही है, तो यहाँ पे कितने कम कर रहा है? यहाँ पे कितने कम कर रहा है? 0, 15 में 6 गए 9, 90 रुपए कम कर रहा है। तो प्रतिशत छूट देखनी पड़ेगी, प्रतिशत छूट मतलब डिस्काउंट देखना पड़ेगा। 90 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है 750 पे, 90 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है 750 पे, तो 100 पे कितने का दिया, गुणा 100 कर दो, 10 से 10 गई, ठीक है। और बल्कि एक काम करो, एक 0 यहाँ वाली काट लो, इसे रहने दो, और ये होगा 25 थी 75 और 25 चौका 100, 3 से काट दिया, 3 थिया 9 और 4 थिया हो गया ये 12% की जो है वो छूट। तो बहुत आसान ये पेपर में क्वेश्चन आए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन है कोई समस्या वाला है ही नहीं, गलत जरूर था लेकिन पेपर में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे आसान है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, क्या है? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये देखो। देखो हमें निकालना ऐसा ही, और ऐसा ही बराबर हुआ है पी आर टी बटे 100। पी क्या है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन, कितना धन लगाया। आर क्या है? रेट मतलब 100 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा। और टी क्या है? समय। तीनों चीज हमें दी हुई है, यो 1500 रुपये है, आर 8 है, समय 4 है और बटे 100, तो 15 8 120 और 120 चौका 480 रुपये यहाँ पे ब्याज के मिलेंगे, साधारण ब्याज के मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आया 105, क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेशित किया जाए तो 2 वर्ष बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? मतलब कोई अगर 1 रुपया था तो 1.21 हो गया, मतलब यो तो है मूलधन और यो है मिश्रधन, ठीक है। इसका पॉइंट हटाया तो मैंने 2 0 लगा, पॉइंट हटा दिया इसका। अब देखो ये साल 2 है, तो जब साल 2 हो गए तो निकलता है वर्गमूल, जब साल 2 होते हैं तो निकलता है वर्गमूल, और साल 3 हो तो निकलता है घनमूल। ये हो गया 10 और ये हो गया 11, ये हो गया 10, ये हो गया 11, मतलब अगर 10 रुपये थे तो उसका जो मूलधन पर ब्याज लगने के बाद मिश्रधन बना वो 11 रुपये बना, तो ब्याज कितना हुआ? 1 रुपया हुआ। हमें दर निकालनी, तो 1 रुपये ब्याज जो बनना वो 10 रुपये पर बनना, और परसेंटेज के लगा दो 100, तो 10% की ही वो दर रहे। 106 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या है? सती और रथी ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यापार में कुछ पैसा निवेश किया, मतलब अगर सती ने 6 रुपये लगाए तो रथी ने 5 रुपये लगाए, लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच बांटा गया हो तो रथिन ने कितने महीने के लिए पैसा निवेश किया, ये बताना, ठीक है जी, कितने महीने के लिए अकेले निवेश किया। तो क्वेश्चन नंबर अगर 106 की बात करूं, उसने सती ने लगाए 6 रुपये और रथिन ने लगाए 5 रुपये, ठीक है, लेकिन कुछ महीने बाद, अब इसका हमें पता नहीं कितने महीने बाद, हमने मान लिया एक्स महीने बाद इसने अपना पूरा पैसा वापस ले लिया, लेकिन यो कितने महीने लगा? 12 महीने, यो 12 महीने पैसा लगा, और इनका जो अनुपात रहा वो 7:10 का लाभ का अनुपात, और लाभ का या हानि का अनुपात क्या हुआ है? लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर, 5 × 10 और 2 × 6 = 12 और 6 × 6 गया, इसका मतलब इसने जो पैसा लगाया वो 7 महीने का लगाया। रथिन ने वैसे 12 महीने पैसा लगाया, लेकिन उसने पूछा अकेले कितने महीने के लगाया, तो 7 महीने बाद जा लिया, तो कितने महीने बचे आ गया? 5 महीने, तो रथिन ने जो अकेले पैसा लगाया वो 5 महीने के लगाया। और अगर उसकी बात करी जाए कि सती ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, तो 7 महीने के लगाया। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 रन है, अपनी औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रनों की आवश्यकता होगी, मतलब 12वीं पारी के रन अगर निकालने हैं तो नया औसत गुणा नई संख्या, नया औसत हो जाएगा, औसत जो है 2 रन बढ़ गया तो 53 हो जाएगा, नई संख्या होगी 12 और माइनस कर दो 51 × 11, पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या, 12 तिया 36,
36 का 6 का हासिल को 3, 12 पंजे 60 और 3 63, 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, यो आया 5 और 13 में से 6 गए, यो आया 7। इसका मतलब कुल मिला के इसे 75 रन जो है वो बनाने पड़े। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिन में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए 16 आदमी जो बना रहे हैं इसे 15 दिन में बना रहे हैं, मतलब किसी काम को 16 आदमी 15 दिन में कर रहे, तो एक दिन में कितना करेंगे, 16 × 15। अब 8 दिन में वो काम कराना तो कितने आदमियों की जरूरत पड़े, तो 8 × 16 और 15 × 30 आदमियों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अगर आदमी और दिन दे रखे तो कुछ मत करो, आदमी की गुणा दिन में करो और जो पूछ रहा आदमी उतने लो और जो पूछा दिन दिन उतने लो और काम कर दो, बस बराबर रखे। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, दो ट्रेन ए और बी हैं, वे दो स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती है, मतलब एक एक्स से चली एक वाई से चली, मतलब एक मेरठ से चली और एक मुजफ्फरनगर से चली, ऐसा मान, जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन बी को पूरी यात्रा करने में 8 घंटे का समय लगा हो तो ट्रेन बी को पूरी यात्रा करने में कितने घंटे का समय लगेगा। अब देखो 600 किलोमीटर की अगर टोटल दूरी थी और बी ने 8 घंटे लिए तो उसकी चाल निकल जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय 600/8 हो गया, तो 8 × 56 4 बचे और 8 × 5 = 40। इसका मतलब इसकी जो चाल आई वो आई 75 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी भी। अगर हमें एक ही चाल भी पता लग जाए तो काम बनेगा, लेकिन इसने कहा कि जैसे ये दो स्टेशन थे, एक था एक्स और दूसरा था वाई, यहां से ए चला यहां से बी, अब यहां से 225 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों एक दूसरे को पार करते हैं। इसका मतलब जितनी देर में वो ए यहां आया 225 किलोमीटर, उतनी ही देर में बी जो ने कितनी दूरी तय करी, क्योंकि टोटल 600 थी तो इसने तय कर दी 375 किलोमीटर की दूरी। अब बी की चाल है और बी की डिस्टेंस भी है, तो मैं यहां से यहां तक पहुंचने का समय निकाल सकूं, ठीक है, समय कहां तक, यहां पर मैंने इसका सी पॉइंट लिख दिया, सी तक का जो समय पूछ लूं तो 375/75 और 75 बन जाए 375, यू मैं 5×25 का 5 का हासिल को दो, 5×7 = 35 और 2×37, मतलब 5 घंटे लगे इसे यहां से यहां तक पहुंचने में, तो इसे भी यहां से यहां तक पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे, तो एक ही चाल निकलेगी, एक ही जो चाल है वो यहां से निकलेगी 225/5, तो 5×20 और 5×25, इसका मतलब इसकी जो चाल थी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब कुल समय चाहिए वो भी ए का कुल समय चाहिए, जो 5 घंटे जो समय आया ना, वो जो 5 घंटे समय आया था वो ए से सी तक का था, सॉरी एक्स से सी तक का था, तो यहां पर कुल समय निकालना, तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 45 के हिसाब से तय करनी है, तो 15 × 45 और 15 × 60, 15 × 45 15 × 60 0 जो कि तू लगाई तो 3 से भाग करा तो 13 × 39 13 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा इसे पूरी यात्रा को कवर करने में, और यो इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, क्या है, एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है, बॉक्स की बाहरी सतह का क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बॉक्स की दीवारों की एक समान मोटाई x सेंटीमीटर है तो x का मान हमें बताना। देखो बाहरी लंबाई की अगर मैं बात करूं, बाहर की लंबाई की बात करूं, अंदर की तो दे रखी उसने 10 सेंटीमीटर, अब जैसे ये बॉक्स है, यो है बॉक्स, ठीक है जी, अब इसमें क्या है, इसमें जो है, जो बाहर की लंबाई की बात करूंगा तो देखो इसकी जो मोटाई होगी, ये सपोज करो इसने एक्स दे रखी और यो भी एक्स दे रखी, तो जब हम यहां से यहां तक की काउंट करेंगे तो एक्स ये जुड़ेगा, एक्स ये जुड़ेगा, तो 2x जुड़ेगा, तो ये जाएगा 10 + 2x। सेम काम होगा चौड़ाई में, तो जो चौड़ाई है वो 8 + 2x हो जाएगी, और सेम काम होगा ऊंचाई में, वो जाएगी भैया
कितनी, 6 + 2x। अब उसने जो बाहरी क्षेत्रफल दे रखा, बाहरी क्षेत्रफल जो दे रखा वो दिया है कितना, 592 cm². और क्षेत्रफल क्या हुआ, वक्रपृष्ठ हुआ है, बाहरी क्षेत्रफल हुआ वक्रपृष्ठ, और वक्रपृष्ठ होता है 2l, b, bh और hl बराबर, जो का तो लिख दो, 2 से ऐसा काट देंगे तो 2 × 4 = 18 × 2 = 12 हो गया। यो यहां गया, लंबाई कितनी है 10 + 2x, चौड़ाई कितनी है 8 + 2x, ठीक है भाई। अब ऐसे लिखते चले जाओ, चौड़ाई 8 + 2x, ऊंचाई 6 + 2x, और ऊंचाई 6 + 2x, और जो है लंबाई हो जाएगी 10 + 2x। इसको हल कर दो और x की वैल्यू अगर निकाल देंगे तो वही उत्तर है, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि आप जो है इसे पूरा हल करें, एक तरीका ये ऑप्शन से लेकर हल करें। जैसे सबसे आसान ऑप्शन अगर इसमें पकड़ो तो 1 है 1 cm। अगर मैं पहले मान लूं कि 1 ही सही है और बाकी बाद में जाएंगे, अगर 1 ना सही हुआ तो फिर हम पूरा हल करेंगे, फिर हम टाइम बर्बाद नहीं करने के, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा रहेगा। आसान को देख लो, 1 है तो हो गया 12, हो गया 10, हो गया 10, हो गया 8 और 12। भाई 1 रखूंगा तो इसके तो ये 2 रह जाएगा, तो होगा 120, 80 और 12 = 96। जोड़ कर देख लो 296 आ रहा है नहीं आ रहा, अगर 296 ही आ गया तो x का मान 1 सही हो जाएगा। तो 6 आ गया, 9 8 17 और 2 19 का 9 कैंसिल, को 1 1 2, 296 आ गया। इसका मतलब अब बिल्कुल सही है कि x की वैल्यू जो है वो 1 cm है, जो दीवार की मोटाई है वो 1 cm ही यहाँ पर रहने वाली है। अगर ये तरीका सही ना बनता फिर हम इसे पूरा हल करते, द्विघात समीकरण बनती तो अब भी यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि उससे बचने के लिए, कैलकुलेशन बचने के लिए हमने क्या करा, जो ऑप्शन थे उनका यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, 7 विशेषज्ञ हैं और 5 प्रशिक्षुक किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षुक इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुक इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताएं। देखो 7 विशेषज्ञ, विशेषज्ञों को भी लिख दिया मैंने और 5 प्रशिक्षुक को मैंने भी लिख दिया, ये कर रहे किसी काम को 9 दिन में, तो गुणा 9 कर दो, 1 दिन में इतना जरूरत पड़ेगी। ऐसे इसके सामने लिखो 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षुक जो है वो इसी काम को कर रहे 12 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1200 गुणा कर दो। अब 3 × 3 = 9 हुए और 3 × 6 = 12, 3 की गुणा करो 7 × 21 = 20, 3 × 5 = 15 = 20, 4 × 16 = 20 और 15 × 6 = 60 = 20। इसको इधर ले जाओ तो 5 = 20 बचेंगे, इसको इधर ले जाओ तो 45 = 20 बचेंगे, तो 5 × 5 = 45, इसका मतलब V/P = 9:1। अब एक साइड तो कोई सी इसमें से ले लो जो भी तुम्हें अच्छी लगे, और एक साइड बोलो जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो मैंने कोई भी क्या पहले वाली उठा ली, उसने पूछा था कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुक इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो जहां V है वहां 9 रखूंगा और जहां P है वहां 1 रखूंगा, जहां V है वहां 9 और जहां P है वहां 1 रखूंगा, तो यहां 9 रखा और यहां पे मैंने 1 रखा, ठीक है। यहां पे हमने 9 रखा और यहां पे हमने 1 रखा, ठीक है भैया। तो 9 × 7 = 63, 63 और 5 = 68, 9 × 5 = 45 और 6 = 51 और गुणा डी निकल गया, 17 × 6 = 68, 17 × 3 = 51, 3 × 3 = 9, तो डी का मान जो आ जाएगा 4 × 3 = 12 दिन। तो बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आवे 2-4 तो कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका भला हो जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन इसने बहुत कम दिए, आसान क्वेश्चन ज्यादा दे रखे, और जब आसान क्वेश्चन आवे पेपर में तो गधे घोड़े सब बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, देविंदर रोज 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है, मतलब उसका जो समय है पहुंचने का समय वो कितना हो गया भाई, 8 बजे निकला घर से और 9:30 बजे पहुंच गया, 9:30 बजे पहुंच गया, तो कुल मिलाकर उसे कितना लगा, 1.5 घंटा, ठीक है।
उसका जो समय आया वो 1.5 घंटे को हम 3/2 भी लिख सकें। 1 घंटा 30 मिनट लिख दो, 3/2 लिख दो, 1.5 लिख दो, सबकी बात एक ही। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, मतलब चला तो उसी टाइम है वो जिस टाइम वो डेली चलता था, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर वो 1/3 दूरी तय करता है। मतलब जो टोटल डिस्टेंस थी उसकी 1/3 इसने जो तय करी, जो स्पीड थी उसकी, उसकी स्पीड से कितनी स्पीड से 3/4 स्पीड से, ठीक है। और शेष दूरी, शेष कितनी बची भाई, शेष बची उसकी 2/3, मतलब 2/3 दूरी बची। 1/3 उसने तय कर ली तो बची कितनी, 2/3। उसने जो तय करी वो 4/3 की गति से, जो स्पीड थी उसकी स्पीड कर दी उसने 4/3, ठीक है। तो देवेंद्र को उस दिन कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगा, किस समय वो कार्यालय पहुंचा ये बता। तो अगर मैं यहां इसे हल करूं, देखो 3 से तो 3 कट गया, ठीक है, और तो कुछ कटने का नहीं यार। 3 से 3 कैसे काट दोगे तुम, ऐसा ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसकी तो इससे गुणा होगी, यो इसके पास जाऊंगा, यो इसके पास जाऊंगा, ऐसी यो इसके पास जाएगा और यो इसके पास जाएगा, ऐसे कर लो भैया। तो इसे 4 को ऊपर ले जाओ, 3/3 आ गया और यो आ गया D/S, ऐसी 3 × 6। यहां हम काट सके 3 से 3 और यहां हम 2 से 2 = 2 और 2 × 4 भी कर सके। तो अगर कितना 1/2 और ये D/S अलग निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, D/S को तो ले लो कॉमन, ठीक है। D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड, और ये किसके बराबर होगी, और T के बराबर हो जाएगी भाई। T टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का ही होगा, और ये वास्तविक है। जो D हमने टोटल दूरी मान रखी, स्पीड जो वास्तविक स्पीड है वो मान रखी हमने इसकी। तो यहाँ बच गई 4/9 और यहाँ बच गया 1/2। तो यो टी कितना था, 3/2, तो इस डी अपन एस की जगह 3/2 रखा जा सके। एलसीएम आ गया 18, 4 × 8, 9 = 9, 3 × 6 = 18, तो 9 और 8 = 17 आ गया 12। तो कुल मिला के 12 + 12 1 घंटा तो पूरा लगा भाई। आगे बचे 5/12 मिनट बना लो या 60 कर दो, ये बन जाएंगे आपके मिनट। तो 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25, तो 1 घंटा 25 मिनट का उसे समय लगेगा। चला तो किस टाइम, तो भैया वो 8 बजे चलता है, 1 घंटा 25 मिनट लग रहे, तो 1 घंटा 25 मिनट जोड़ दो तो वो जो पहुंचेगा वो 9:25 पर कार्यालय पहुंच जाएगा। तो इस तरह से यो वाला सेट हो गया।